हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट मास्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करना, कनेक्टिविटी करना। डेटाबेस में हम टेबल बनाएंगे आइटम मास्टर का, तो शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जाइए और यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम डेटाबेस एक्सेस यूज़ कर रहे हैं 2010 का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का। तो सबसे पहले डेटाबेस का नाम DB अंडरस्कोर मोबाइल। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, हम यहाँ पे पाथ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वो पाथ सिलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल शॉप मैनेजमेंट बिन, उसके अंदर डिबग, और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए और क्रिएट, ताकि हमारा जो डेटाबेस है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही हो। इसलिए अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक टेबल क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, डिज़ाइन व्यू पे जाइए और यहाँ पे टेबल का नाम रख दीजिए टेबल आइटम। सबसे पहले ये फॉरेन की है उसको निकाल दीजिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं FID ऑटो नंबर, सही है। उसके बाद ये हम यहाँ पे लिखेंगे F कंपनी, F मॉडल, सिंपल डेटाबेस और सिंपल टेबल। ये हमारा आइटम मास्टर टेबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल नंबर और कंपनी नेम, ताकि जब भी हम कोई परचेस कुछ कुछ भी परचेस करें मोबाइल, तो हमें बार बार नाम लिखना ना पड़े, आइटम मास्टर में ऑटोमेटिकली हमारे परचेस फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट के ऊपर, एड न्यू आइटम, यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म ले लीजिए और यहाँ पे लिखिए फॉर्म अंडरस्कोर आइटम। अब हम वापस, डिज़ाइन सेम है इसलिए हमें उसमें टाइम नहीं डालना, तो हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे और की प्रीव्यू साइजेबल इक्वल टू नन, और जो हमारे फॉर्म में है वो सेम हम वहाँ पे रख देते हैं, यानी कि ये टॉप बॉटम लेफ्ट आइटम मास्टर में पेस्ट कर देते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे 20 में एक होना चाहिए, तो यहाँ ये जो टॉप की पैनल है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और इसको यहाँ से, अभी यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसमें हम डाल देंगे बैकग्राउंड कलर पे 64x64x64। अब ये जो लिया है यहाँ पे हम बटन पहले निकाल देते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे टाइटल के लिए है, तो यहाँ पे जो कलर हमने जैसे पिकर से लिया था वो पेस्ट कर देते हैं वापस, और यहाँ पे हाईलाइट कलर डार्क। तो देखिए, हमारा आइटम मास्टर का फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। अभी हमें पहले दो लेबल लेने हैं, तो यहाँ पे लेबल पे हम लिख देते हैं कंपनी नेम, उसके बाद जो लेबल की प्रॉपर्टी है वो सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज 12 और फॉन्ट एरियल ओके, कलर हम वाइट कर देते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसको वापस पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल नंबर। अभी दो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं हम यहाँ पे, और टेक्स्ट बॉक्स की भी फॉन्ट हम ये भी कर देते हैं साइज, यानी कि कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फॉन्ट का भी कलर हम, टेक्स्ट बॉक्स का भी कलर हम सेट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स का कलर हम सेट करते हैं 64x64x64। तो आपके सामने कुछ ऐसा नज़र आता होगा। उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए टेक्स्ट बॉक्स को, और देखिए हमारा डिज़ाइन हो गया है। अभी हम टाइटल कर देते हैं, यहाँ पे टाइटल, टाइटल की फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं 16 बोल्ड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम मास्टर, और नीचे हमें थोड़ी सी अंडरलाइन चाहिए। इसके लिए हम लेंगे एक पैनल, क्योंकि हमें
डिज़ाइन के लिए रखनी है। तो यहाँ पे एक पैनल ली और पैनल की बैक कलर हम सेट कर देते हैं वाइट, और उसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ले लीजिए। और ये टाइटल को बीच में ले लीजिए। देखिए अब रन कीजिए आप, तो अभी तो ये रन होगा। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम फाइल पे जाके यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम आइटम, फिर हम मेनू में डाल देंगे वो। तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा नज़र आता होगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, आइटम पे जाइए, तो ये बटन लिया है उसको ही कॉपी करके ये जो बॉटम पैनल है उस पे डाल दीजिए। और ये बटन पे आप लिख दीजिए क्लोज। उसके बाद वापस एक पैनल लेनी होगी यहाँ पे डिज़ाइन के लिए, तो हम यही पैनल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और उसकी डॉक प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं राइट साइड, और उसकी राइट साइज हम सेट कर देते हैं सिंगल। अब इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट, वापस कॉपी पेस्ट, वापस कॉपी पेस्ट। अब हम ये इसको निकाल देते हैं। अब फॉन्ट प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं 11, बोल्ड और एरियल। ओके, अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर में ऐसा रखना है, तो यहाँ पे कलर को कॉपी करके ये एक ही बार डिज़ाइन कर रहे हैं, दूसरी बार हम कोई भी फॉर्म में डिज़ाइन नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और जो हवर कलर है वो यहाँ पे हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और बटन का जो हवर कलर है वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए फ्लैट अपीयरेंस पे और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब हम लेंगे एक डेटा ग्रिड व्यू हमारे डेटा को व्यू करने के लिए, यानी कि हमारे डेटा को डेटाबेस से यहाँ पे लाने के लिए। तो ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी आप सेट कर दीजिए कलर वाइट, और ग्रिड कलर आप कर दीजिए कंट्रोल लाइट। और उसकी डॉक प्रॉपर्टी है उसको आप सेट कर दीजिए बॉटम। तो देखिए हमारी डिज़ाइन रेडी है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आपके सामने कुछ ऐसा व्यू आ रहा होगा। ये हमने क्लोज 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 लिखा है, वहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो एम पर्सन सेव, और टेबल का नाम हम ये जो कंट्रोल का नाम है btn सेव। उसके बाद btn एडिट, btn रिमूव, btn क्लोज। खास याद रखें नाम ऐसा सेट कीजिए कि आपको वापस याद ना करना पड़े। यहाँ पे क्लोज सही है और यहाँ पे रिमूव और यहाँ पे एडिट। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी नेम प्रॉपर्टी पे जाइए txt प्रीफिक्स, और उसके बाद कंपनी, और उसके बाद है सॉरी ये मॉडल है txt मॉडल txt कंपनी। और आप टैब की के लिए टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए कंपनी, यानी कि फर्स्ट टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब ये बटन अगर प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, तो दिस डॉट क्लोज, क्लोज फॉर्म क्लोज होना चाहिए। सेम लाइक अगर आप आइटम मास्टर के ऊपर जो टॉप है उसको भी क्लिक करें तो क्लोज होना चाहिए। ये फॉन्ट, इसका फॉन्ट हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपके प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करते हैं, डेटाबेस मैंने आपको बताया कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। और देखिए यहाँ पे ये फेच है टेबल्स हमारा। अब हम जाते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम दो मेथड बनाएंगे, कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए ये टेबल पे सिलेक्ट कीजिए कनेक्शन डेटाबेस का, और वहाँ पे हम सिलेक्ट कीजिए कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग एस पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
दोस्तों, और एक बात, क्या आपको ये नेम स्पेस ऐड जरूर करनी है, अदरवाइज आपका कनेक्टिविटी नहीं होगी आपकी। तो यहाँ पे हम लेते हैं ओ एल डी बी कनेक्शन CON, उसके बाद लेते हैं ओ एल डी बी कमांड, कमांड फायर करने के लिए CMD इक्वल टू न्यू। उसके बाद लीजिए यहाँ पे ओ एल डी बी डेटा एडेप्टर, ये हम डेटा फेच करने के लिए लेंगे। अब हम मेथड बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने दो मेथड बनाए हैं, प्राइवेट वॉइड ऑपरेशन एंड शो डेटा। तो पहले हम ऑपरेशन में जाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन इक्वल टू न्यू कनेक्शन और ब्रैकेट में एस पाथ। यहाँ पे हम कनेक्शन ओपन करेंगे तो हमारा डेटाबेस और यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद CMD कनेक्शन को हम कमांड में ऐड कर लेंगे ताकि हम कोई भी कमांड फायर करें तो यहाँ पे इफेक्ट आए। फिर CMD कमांड टेक्स्ट, यहाँ पे हम क्वेरी फायर करेंगे, जो क्वेरी हम ऊपर से लेंगे आर्ग्यूमेंट में। उसके बाद CMD को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट नन क्वेरी। हमारा प्रोग्राम हो गया है, कनेक्टिविटी हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दे देता हूँ, डॉट शो डेटा हैज डबल ब्रैकेट पे डेटा हैज बीन अपडेटेड। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट बटन, मैसेज बॉक्स आइकॉन। देखिए, आपका प्रोग्राम यहाँ पे कनेक्टिविटी का हो गया है, लेकिन हमने कनेक्टिविटी इस्तेमाल नहीं की है, तो उसके लिए हमें जाना होगा BTN सेव पे। यहाँ पे आप क्वेरी लिखिए स्ट्रिंग str इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल आइटम। यहाँ पे आप वैल्यूज़ डालिए, यानी कि फील्ड F कंपनी F मॉडल। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ डालिए, आप क्या फायर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए सिंगल क्वोट, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिया है, जो हमारी डेटा टाइप है कंपनी और मॉडल दोनों स्ट्रिंग है, इसलिए हम सिंगल क्वोट जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद कोमा, डबल क्वोट, वापस सिंगल क्वोट, और यहाँ पे हम करेंगे ऑपरेशन फायर। यहाँ पे हम क्वेरी डालेंगे str। अभी देखिए, यहाँ पे हम जो हमने कंट्रोल्स लिए हैं, txt टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं कंपनी डॉट टेक्स्ट और txt मॉडल डॉट टेक्स्ट। अभी एक हमारी मिस्टेक है यहाँ पे, जो पाथ है, देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि विजुअल स्टूडियो ये अलाउ करता है, सिंगल अलाउ नहीं करता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एडर्ट साइन करनी है तो अपने आप एरर चली जाएगी। देखिए चली गई। अभी हम रन करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नोकिया 3010 और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो देखिए, डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। वापस चेक करते हैं, सैमसंग 3223, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो देखिए, हमने दो एंट्री की है, तो यहाँ पे हम टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और रिट्राइव डेटा पे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो एंट्री दिखाई दे रही है आपको। ये हमने किया है इंसर्ट ऑपरेशन, सेम लाइक आप अपडेट ऑपरेशन और सिलेक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी हम करेंगे सिलेक्शन ऑपरेशन, यानी कि शो डेटा। तो यहाँ पे हमने एडेप्टर ले लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप कनेक्शन वापस कीजिए, CON इक्वल टू न्यू कनेक्शन ब्रैकेट में एस पाथ, कनेक्शन को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम कमांड ले लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एडेप्टर, यानी कि एडेप्टर इक्वल टू न्यू एडेप्टर। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी, क्वेरी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कनेक्शन। अभी हमें क्या करना है, एक डेटा सेट लेना है, DS इक्वल टू न्यू डेटा सेट
अभी जो हमारे डेटा एडेप्टर में कनेक्शन हुआ है वो डेटा हम डीएस में लेंगे, क्योंकि हमें हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में है, इसलिए तो यहाँ पे हम करेंगे एडेप्टर डॉट फिल ब्रैकेट में डीएस। अभी डेटा तो आ गया है लेकिन हमें हमारे डेटा ग्रिड व्यू में लेना है, तो डेटा ग्रिड व्यू का नाम मैंने रखा है डीजी डब्ल्यू डिटेल्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू डीएस ऑफ टेबल्स, क्योंकि एक ही टेबल है इसलिए हम जीरो लेते हैं। डेटा फेच हो गया है, डेटा फेच हो गया है डेटा ग्रिड व्यू में। अभी यहाँ पे क्वेरी हम फायर करेंगे स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू सिलेक्ट एफ आई डी एफ कंपनी और एफ मॉडल फ्रॉम टेबल आइटम। तो देखिए हमारी क्वेरी भी फायर हो गई है। अभी हम सो डेटा को रन करेंगे, तो यहाँ पे हम वापस फॉर्म लोड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सो डेटा। जब भी हम फॉर्म रन करेंगे तो हमारा डेटा फेच हो जाएगा। देखिए आपके सामने दो डेटा आ रहा है, हमने जो एंट्री की थी वो आ गई, यानी कि हमारा सिलेक्ट ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो गया है। अभी हमें क्या करना है, एडिट एंड रिमूव ऑपरेशन, तो उसके लिए वापस आपको प्रोग्राम कोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट रिमूव, पहले हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी जी डब्ल्यू डॉट रोज डी जी डब्ल्यू डिटेल्स डॉट रोज ऑफ आर। एक खास बात, आपको एक आर लेना पड़ेगा। आर किसके लिए है कि जब भी आप कोई रो सिलेक्ट करेंगे तो आर में उसकी इंडेक्स वैल्यू चली जाएगी जहाँ से हम फायर करेंगे। तो यहाँ पे आप आर की एक इवेंट है रो इंटर, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाल लीजिए आर इक्वल टू डेटा ग्रिड की रो इंटर इवेंट में आर इक्वल टू ई डॉट रो इंडेक्स। यहाँ पे डेटा ग्रिड की इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए ऑफ सेल्स ऑफ ज़ीरो, क्योंकि हमारी एफ आई डी ज़ीरो पे है टू स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे आप वापस एक स्ट्रिंग लीजिए एस डिलीट फ्रॉम टेबल आइटम वेयर एफ आई डी इक्वल टू, क्योंकि ये इंटीजर है ऑटो नंबर इसलिए हम सिंगल क्वार्ट नहीं लेंगे, और यहाँ पे प्लस प्लस डबल क्वार्ट और यहाँ पे हम डाल देते हैं एस टी आर। देखिए हमारी क्वेरी फायर हो गई है, अभी हमें ऑपरेशन में डालनी है। यहाँ पे हम डाल देंगे एस डिलीट। देखिए हमारा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सो डेटा कॉल करना है, यानी कि जो डिलीट हो गया वो निकल जाए, उसके बाद जो बचा हो रिकॉर्ड वो आपको डिस्प्ले हो। अब हम रन करते हैं, ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है तो ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे रिमूव किया। देखिए एक सिंपल एरर आ रही है, मेल फॉर्म गाइड इज क्वेरी एक्सप्रेशन एफ आई डी डेटा ग्रिड व्यू रो इंडेक्स वन। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं, हमने क्या सॉरी यहाँ पे आपको डालना है वैल्यू, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग। वापस रन किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, रिमूव किया, देखिए डेटा हैज़ बीन अपडेटेड, एक रिकॉर्ड रिमूव हो गया है। ये हमने कैसे किया, सिंपल एक क्वेरी फायर की, हमने इंडेक्स वैल्यू ली और ऑपरेशन मेथड पे वो क्वेरी फायर कर दी और डेटा शो कर दिया, तो हमारा काम हो गया। अभी ये क्या करना है, हमें अपडेट करना है, तो एडिट पे जाते हैं, सेम लाइक यही करना है और यहाँ पे लिखना है एस टी आर अपडेट टेबल आइटम सेट एफ कंपनी इक्वल टू सिंगल क्वाड डबल क्वाड एफ मॉडल सिंगल क्वाड डबल क्वाड
where if id equal to str. देखिए यहाँ पे भी आपको सिंपल एक क्वेरी फायर करनी है. अभी यहाँ पे आप डाल दिया txt company dot text, txt model dot text, और यहाँ पे डालिए, यहाँ तो ऑलरेडी डाला हुआ है. उसके बाद यहाँ पे आप ऑपरेशन करिए, यहाँ पे आप डालिए str string str1 देखिए हमने ये काम कर लिया है. अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको पहले तो ये जो रिकॉर्ड है वो आपको TX बॉक्स में लेना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो कि आपके रिकॉर्ड की जो वैल्यू है, यहाँ पे आप TX की कंपनी लीजिए डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है वो आप कर दीजिए 1, सेम लाइक txt model, यहाँ पे 2 कर दीजिए. अभी ये जो क्वेरी फायर की है उसको आप यहाँ से निकाल के btn save पे जाइए, वहाँ पे लिखिए आप if btn save dot text equal equal to person update, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए else मैं यहाँ पे इसको ओवर कर दीजिए, यानी कि अगर अपडेट बटन होगा तो ये आएगा और अपडेट नहीं होगा तो ये आएगा. तो ये आप कॉपी करके एडिट बटन पे जाइए वापस, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए. तो यहाँ पे इसको ये निकाल दीजिए और यहाँ पे स्ट्रिंग रिकॉर्ड कर दीजिए, और ये कॉपी करके यहाँ पे आप रखिए. तो देखिए आपका अपडेट ऑपरेशन भी हो गया. मैं आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा. रन कीजिए, एडिट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे नोकिया और 31 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आप सैमसंग कर दीजिए. अब आप अपडेट पे क्लिक कीजिए, देखो देखिए रिकॉर्ड अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पे 100 डेटा नहीं किया था. तो यहाँ पे आप 100 डेटा कर दीजिए, देखिए यहाँ पे सैमसंग 1 2 3 4 आ गया. वापस करते हैं, यहाँ पे लिखा ओप्पो F11 और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, तो देखिए ओप्पो F11 आ गया है. यहाँ पे आप txt company dot text equal to blank, txt model dot text equal to blank, txt company dot focus, यानी कि जब भी हम कुछ सेव करें या डिलीट करें अपडेट करें तो फोकस हमारे txt company पे आए. कंप्लीट हो गया है. अभी जो btn सेव है डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एन पर्सन, सेव कर दीजिए वापस, यानी कि आपका अपडेट का ऑपरेशन हो गया तो सेव हो जाए वापस. एक एंट्री कीजिए सैमसंग 147, यहाँ पे आप सेव कर दीजिए. अभी इसको हम एडिट करते हैं, तो देखिए वापस यहाँ पे सेव आ गया, ये भी चेंज हो गया. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. आपको मैंने आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन कैसे करते हैं, वो सब समझाया है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.